और ये वही वाला वक्त है कि जिस वक्त सहाबियात जंगों में जाती थी और जख्मियों को पानी पिलाती थी, ये बिल्कुल वही वाला वक्त है। इसराइल अलमगीर जैसे छोटे शहर में आमतौर पर यह रिवाज नहीं है कि लेडीज़ बाहर निकलें, लेकिन हम बारिश का पहला कतरा बन के निकले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल रज़ा, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इसराइल अलमगीर और यहाँ पे हकीकी आज़ादी मार्च कुछ देर तक पहुँचने वाला है और यहाँ पे हमारे साथ कुछ हवातीन मौजूद हैं जो अपने लीडर के लॉन्ग मार्च को इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये आज के मौके पर क्या कहना चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल अलमगीर जैसे छोटे शहर में आमतौर पर यह रिवाज नहीं है कि लेडीज़ बाहर निकलें, लेकिन हम बारिश का पहला कतरा बन के निकले हैं क्योंकि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ख़ुद अपनी हालत के बदलने का ख्याल ना हो। तो हम इस सोच के नीयत से निकले हैं क्योंकि खान साहब अपनी ज़ात के लिए नहीं निकल रहे, वो हमारे लिए निकल रहे हैं। आज अगर वो मजरूब हैं, उनको गोलियां लगी हुई हैं, लेकिन हम हर हाल में उनके साथ हैं ताकि उनको खुशी हो। वो जहाँ पर बैठ के देख रही हूँ कि कौम उनके साथ है, उनके विजन के साथ है और बिल्कुल हम उनके साथ देंगे। और हमारा तो बस नहीं चलता कि हम थ्रू आउट लॉन्ग मार्च में उनके साथ हों, लेकिन इंशाल्लाह हम दिलो जान के साथ दुआओं में इस कौम की माएँ बेटियाँ और बहनें सारी उनके साथ हैं और जीते रहें खान साहब। देखने वाली खवातीन को आप क्या पैगाम देंगी जो इसराइल अलमगीर की हैं? जी मैं उनको ये पैगाम दूंगी कि ये वही वाला वक्त आ गया है 1947 से पहले का जो वक्त था जब औरतें भी निकलती थीं, और ये वही वाला वक्त है कि जिस वक्त सहाबियात जंगों में जाती थी और जख्मियों को पानी पिलाती थी, ये बिल्कुल वही वाला वक्त है। लेकिन ये चेंज हो जाती है आजकल के इस दौर में। हमारे लिए जहाज़ यही है कि हम निकलें, हम लोगों को बताएं कि हम भी चाहते हैं आज़ादी, हम भी चाहते हैं औरतें ज़रा बाहर निकलें। और बाकी हर काम के लिए हम निकल सकते हैं, तो इस काम के लिए हमें निकलना है। हम अपने हर काम पेंडिंग करके निकलें और हम यहाँ पर आने की वजह भी यही है ताकि हमें देखते हुए बाकी औरतें भी निकलें और वो यहाँ आएँ, अपने कायद को अपने लीडर को सपोर्ट करें ताकि वो देख के खुश हों। वो खुद बनफ्से नफीस तो मौजूद नहीं होंगे, लेकिन हम उनके साथ हैं, हम उनको यकीन दहानी करानी चाहते हैं। जी नाजरीन बिल्कुल, इन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है रिवाज नहीं है खवातीन का निकलने का, लेकिन ये पहला कतरा बन के निकली हैं और इनका कहना है कि इंशाल्लाह जो है यहाँ पे इनके साथ और भी खवातीन यहाँ पर आकर इस्तकबाल करेंगी। मजीद अपडेट जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ अलर्ट। अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।